सो बहुत दिनों बाद आज फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं बीच में गायब हो गया था, आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर से सोचा कि जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते जाएंगे, मैं इतना दिन वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज ऑफ दैट, कुछ पर्सनल रीज़न था, कुछ होटल का कुछ बिजी शेड्यूल्स था, कुछ मेरा कुछ काम था, इसीलिए बिजी हो गया था। सो मैं वही देख रहा हूँ कि मैं बीच में जब गायब हो गया था, मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दिया था, राइट? सो उस टाइम मैं देखा कि मैं तो वीडियो बनाना बंद कर दिया, बट एवरीडे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं एवरीडे, जैसे जैसे, इसीलिए मैं फिर सोचा कि जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये नंबर बढ़ रहा है, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को एक अच्छा वे दिखाऊँ, एक अच्छा रास्ता दिखाऊँ, एक अच्छा दिशा दिखाऊँ, ताकि आप लोग जीवन में कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सके। और इस चैनल का तो वही एक मकसद है कि आप लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाना, एक अच्छा दिशा दिखाना, ताकि आप लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाए। ओके, सो देखिए, अभी फिर से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट ईयर का, होटल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर का। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो का मेरा मकसद है वो है कि आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज़ द मेन थिंग इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश का पावर नहीं है, आपके पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सो इस इंडस्ट्री में रहना मेरे लिए ये ठीक बात नहीं है, मतलब रहना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप चाहे अब्रॉड में जॉब करें और इंडिया में जॉब करें, यहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। और इंग्लिश अगर आपका ठीक नहीं है, आप दो लाइन इंग्लिश ठीक से नहीं बोल सकते, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, सो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। सो मैं यही बताना चाहता हूँ गाइस कि इंग्लिश को ठीक कीजिए। इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोग इंग्लिश के प्रति जो आपका डर है, आई नो वेरी वेल कि बहुत सारा स्टूडेंट्स है ऐसा कि उन लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि उसका बैकग्राउंड बंगाली, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, या मे बी हिंदी बोर्ड है, या कुछ भी अदर्स बोर्ड है। और अभी जो लोग CBSE बोर्ड में भी पढ़ते हैं या ICSE बोर्ड में भी पढ़ते हैं, उन लोगों का भी अच्छा, मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में आना और इस इंडस्ट्री में राज करना, एक किंग बन के रहने के लिए आपको इंग्लिश का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश सीखना एक चीज़ है और इंग्लिश बोलना एक आर्ट है, राइट? सो आप लोग मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि उन लोगों को लगता है कि मैं तो इंग्लिश जानता हूँ। इंग्लिश जानना और इसको बोलना दोनों डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो देखिए, इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश के ऊपर, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करना है। जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो लोग अभी फर्स्ट अभी जिन लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, यही बात बताना चाहता हूँ कि एवरीडे न्यूज़पेपर लीजिए, एवरीडे आप लोगों को लेने का ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक न्यूज़पेपर लीजिए और वही एक न्यूज़पेपर को आप लोग रीड कीजिए, एवरीडे रीड कीजिए। और चाहे आपको कुछ समझ में आए और ना आए, ज़ोर से आप रीड कीजिए उसको, ओके? और जितना हो सके इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, और जितना हो सके इंग्लिश आप अगर अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब तो आप लोग हर टाइम देखते हैं, सो इंग्लिश न्यूज़ थोड़ा सा सुना कीजिए, इंग्लिश सॉन्ग थोड़ा सुना कीजिए, अगर हो सके तो टाइम मिले तो इंग्लिश फिल्म देखा कीजिए, ओके? और जितना हो सके ना इंग्लिश कल्चर बनाइए, जो आप लोग दोस्त हैं चार पाँच जन बैठे हुए हैं, एक साथ इंग्लिश में बातें कीजिए, बिकॉज दिस
वेरी इफेक्टिव इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, जितना आप इंग्लिश में घुले हुए रहेंगे, जितना आप हर टाइम इंग्लिश में डूबे हुए रहेंगे, उतना जितना आपका एटमोसफेयर पूरा इंग्लिश हो जाएगा, तो आपके लिए वो आसान होगा ग्रैप करना, वो इंग्लिश ग्रैप करना आपके लिए आसान होगा इंग्लिश। ओके, और आप लोग जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि मेरा जो स्पेशल जो मैं रेकमेंड करता हूँ सबको, वो है शैडो प्रैक्टिस। कुछ भी इंग्लिश में सीखिए, कुछ भी आप याद कीजिए, उसके बाद उसको मिरर के सामने बोलिए। जितना आप मिरर के सामने बोलिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, एक हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी एवरीडे कुछ भी छोटा छोटा एक टॉपिक उठाइए, और उठाने के बाद उसको याद कीजिए, याद करने के बाद उसको मिरर के सामने बोलिए। आप एक हफ्ता करके देखिए, आपका इंग्लिश का इंग्लिश बोलने का प्रति जो पहले वाला जो डर था वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और दूर होते होते आप एक ऐसा पोजिशन पर पहुँच जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इंग्लिश बोलने में। और एक ये आप रिज़ल्ट एक हफ्ते में ही देख सकते हैं, एक हफ्ते में ही आपका अपना जो सुधार है वो देख सकते हैं। ये मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ सब स्टूडेंट्स को, ये शैडो प्रैक्टिस के लिए, राइट? सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए गाइस। और जो लोग अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुए, जो लोग अभी न्यू फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, कोर्स कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली बात है कि इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप कीजिए। अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश अगर ठीक नहीं है आपका, आप अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपको इस इंडस्ट्री में रहना तो दूर, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। ये ऐसा इंडस्ट्री है गाइस। और इंग्लिश बोलना कोई मतलब कि अब ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ शैडो प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो मैं बोला एवरीडे न्यूज़पेपर रीड कीजिए, न्यूज़ सुना कीजिए, इंग्लिश न्यूज़ सुना कीजिए, इंग्लिश सॉन्ग सुना कीजिए, अगर आपके पास टाइम रहता है तो थोड़ा इंग्लिश फिल्म देखा कीजिए, तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश का प्रति जो स्केयर्डनेस है, जो डर था, वो दूर हो जाएगा। आप थोड़ा इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले जो बोल ही नहीं पाते थे, जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि बोल नहीं पाते हैं अभी भी, तो ये शुरू कीजिए और एक हफ्ते में अपना रिजल्ट देखिए। ओके, सो यही था। और मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसे मेरे साथ सब जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, मेरा जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी है। और मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को एक सही जगह दिखाऊँ, सही दिशा दिखाऊँ, ताकि आप लोग एक अच्छा जगह पे पहुँचे, एक सक्सेसफुल आदमी बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने, राइट? सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि वो लोग होटल इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहते, होटल फाइव स्टार होटल में जॉब नहीं करना चाहते। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स तो कीजिए, उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत जगह पे आप जा सकते हैं। जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं वो लोग मल्टीटास्कर्स होता है, आप चाहे कहीं भी जॉब कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, आप कोई भी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप एवरीवेयर होटल मैनेजमेंट का ज़रूरत, होटल मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट होता है उसका ज़रूरत हर जगह पे होता है, होटल मैनेजमेंट का हर जगह पे होता है। ओके, और होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, और होटल मैनेजमेंट जो लोग करते हैं वो लोग कभी मतलब क्या बिना नौकरी के नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा कोर्स है, और जो लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं वो लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं, राइट? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।